ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का जुनून, इसी तरह के थे कुछ लफ्ज़ उसके। पहले हम लोग सोच रहे थे कि गाना मीना गाए, फिर बाद में बिमलदा ने कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के बाद कहा कि नहीं मैं गाऊंगा, और गाना शंकर जयकिशन का था। शंकर जयकिशन के साथ शायद मेरा ये दूसरा फिल्म था, उस वक्त ऐसे नहीं था, मेलोडी थी, और मेलोडी तभी निकलती जबकि उसकी लय अरेस्ट करे, जैसे कोई मोमेंट होता है, खूबसूरत एक लम्हा, वो पॉज में से निकलता है, थोड़ा सा सुकूत चाहिए, वो सुकूत मांगता है, थोड़ी सी इस्तादगी जिसको कहने, ठहरिए मकाम पर, ठहरिए, जैसे एक सुर होता है उसको एक मकाम पर ठहराने के लिए वक्त चाहिए। तो वो लयकारी और वो मेलोडी जो है वो हमारे म्यूज़िक में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रही है, और ये जदीद लय जो है रहने सहने की, पिक्चर कहते हैं तेज़ होनी चाहिए, डायलॉग भी तेज़ होना चाहिए, एक्शन भी तेज़ होना चाहिए, मोटर भी तेज़ चलनी चाहिए, हर चीज़ फास्ट होनी चाहिए, ये हमारे यहाँ ही नहीं है, ये बीमारी वेस्ट में भी है। और कितने अच्छे शायर थे, अब तो नहीं रहे वो, अपने साहिर साहब